हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन 3 मूवी के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मुझे रूमर ये मिला है कि विलियम दफोई, यानी कि जिन्होंने स्पाइडरमैन 1 में ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले किया था, वो स्पाइडरमैन 3 के सेट पर पहुँच चुके हैं, यानी कि वो अपनी फिल्मिंग शुरू कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से बहुत लोग ये पूछोगे कि ये जो मतलब रूमर मिला है उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग 100% विश्वास कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने एक बार बताया था कि डॉक्टर ऑक्टोपस यानी कि अल्फ्रेड मोलिना वो भी सेट पर गए थे, फिल्मिंग हो गया है, जो कि सच निकला। और ये भी सच निकलेगा तो ये मतलब एक तरीके से कन्फर्म ही आप लोग समझ लो कि ग्रीन गॉब्लिन हमें दिखाई देगा स्पाइडरमैन 3 मूवी में। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अब ग्रीन गॉब्लिन मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूँ ऑफिशियली, तो वो लोग करेंगे जब करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी तक शायद 4 विलन कंफर्म हो गए, जो कि है इलेक्ट्रो, ट्रेड्स के अनुसार कंफर्म हुआ था, क्रेवन का रूमर चालू था, तो ये 2 गए, थर्ड डॉक्टर ऑक्टोपस और फोर्थ ग्रीन गॉब्लिन। और शायद अभी 2-3 बचे हैं, देखते हैं और कितने लोग अभी कन्फर्म होते हैं या फिर रूमर मिलता है एक हार्ड वाला रूमर। तो जैसे ही कुछ मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करो और कोई न्यू बंदा या बंदी हो वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।